नमस्कार। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसकी जो प्रिसिपिटेशन और क्षेपण प्रक्रिया है, इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। तो ये प्रिसिपिटेशन जो इसका स्वरूप है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, उसके बारे में बातचीत करते हैं। कि एंटीजन एंटीबॉडी जो प्रतिक्रिया है, ये अवक्षेपण के रूप में उत्पन्न होती है और इसके अंतर्गत जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये अवक्षेप के रूप में उत्पन्न होता है। तो अवक्षेप के माध्यम से हम इस प्रतिक्रिया को देखते हैं। तो ये अवक्षेपण है, इस अवक्षेपण की बात हम करते हैं। तो अवक्षेपण किस प्रकार से उत्पन्न होता है, जो लेटिस हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, इसकी चर्चा हम करते हैं। हम जो एक सॉल्यूशन में एक निश्चित मात्रा प्रत्यक्षी की लेते हैं, एंटीबॉडी लेते हैं, और ये जो एंटीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे इसमें बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कर्व है, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो कर्व बनती है, वो एक इस प्रकार से कर्वना के रूप में प्राप्त होती है। और इसकी जो उच्चतम सीमा है, ये इक्विलेंस जोन कहलाता है। और इससे पूर्व का जो क्षेत्र है प्री जोन के रूप में, और इसके बाद का पोस्ट जोन के रूप में पाया जाता है। तो प्री जोन वो क्षेत्र है जहां ये जो एंटीजन है इनकी संख्या, इनकी मात्रा कम है और प्रत्यक्षों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो अवक्षेपण जो है, प्रक्रिया है, वो यहां पूरी तरह उत्पन्न नहीं हो पा रही है, लैटिस नहीं बन रहा। ये इक्विलेंस जो जोन है, जहां जो दोनों की संयुक्तता है, वैलेंसी है, वो मैच कर रही है, और जो सैचुरेशन है जो प्रत्यक्षों का, वो प्रतिजनों के द्वारा कर दिया गया है। तो प्रतिजन और प्रत्यक्ष पूर्णतः एक दूसरे के साथ बंधित लाते हैं और लैटिस निर्माण करते हैं। तो ये जो लैटिस या अवक्षेपण के रूप में पाया जाता है। इसके पश्चात फिर हम जो प्रतिजन है उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, तो ये जो प्रतिजन की मात्रा है वो प्रत्यक्ष की मात्रा की तुलना में अधिक हो जाती है, और इससे फिर जो के बीच में लैटिस का निर्माण हुआ है वो फिर गायब हो जाता है। तो ये जो मध्य का जोन है, इक्विलेंस जोन जो कहलाता है, इसके अंदर अवक्षेपण प्राप्त होता है। तो हमें ये जोन प्राप्त करना है जो संख्या है दोनों की, प्रचंड प्रत्यक्षों की, इस समान होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को सैचुरेटेड संतृप्त कर सके, तब हमको एक बहुत अच्छा लैटिस या अवक्षेपण प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, और उसकी जो परिभाषा है वो उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया हो रही है, इसमें प्रतिरक्षी एक सोल्युबल एंटीजन के साथ, एक घुलनशील प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी आवश्यकता होती है, और ये जो प्रतिक्रिया है इसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच होने आवश्यक होते हैं। इस सिचुएशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर अवक्षेपण प्राप्त होता है एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य। ये जो एंटीबॉडी है, एक घुलनशील जो एंटीजन है उसके साथ प्रतिक्रिया कर अवक्षेप का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो अवक्षेपण प्रतिक्रिया है, इसके अंदर एंटीजन को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है प्रिसिपिटेशन, और जो ये जो एंटीबॉडी होती है इसको प्रिसिपिटेट के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रतिक्रिया है इसके अंतर्गत जो प्रतिजन होता है, जो बाहरी पदार्थ होता है जीवाणु के रूप में,
और वायरस के रूप में और अन्य जो हानि का प्रोटोजोस होते हैं उनके रूप में ये अवक्षेपित हो जाता है प्रतिरक्षी के माध्यम से। तो ये डायग्नोसिस जो क्रियाएं होती हैं, जो विभिन्न जो बीमारियां होती हैं उनका जो उपचार होता है, उनका जो डायग्नोसिस करते हैं, उस क्रिया के अंदर प्रेसिपिटेशन प्रतिक्रिया हम करते हैं, जिससे कि जो आइडेंटिफिकेशन है प्रजनन की, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, इसके बारे में जाना जाता है। अब ये प्रेसिपिटेशन प्रतिक्रिया है, जो अवक्षेपण क्रिया है, ये विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार है, उसके संबंध में अब हम चर्चा करते हैं। ये जो प्रेसिपिटेशन प्रक्रिया है या प्रतिक्रिया है, ये सर्वप्रथम एक विलयन के अंदर की जाती है। यदि विलयन का के अंदर इस प्रतिक्रिया को हम करते हैं, तो हमको एक रिंग के रूप में, एक छल्ले के रूप में अवक्षेपण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें एंटीसीरा, जिसके अंदर एंटीबॉडी उपस्थित है, उसको रख लेते हैं और उसके अंदर हम परजन को डालते हैं। तो परजन जो होते हैं वो प्रतिरक्षी की दिशा में गमन करते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन क्रिया हो रही है, इसमें केवल एंटीजन भाग ले रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल डिफ्यूजन। और ये जो दोनों का मध्य का स्थल है, जहां एंटीसीरा और ये एंटीजन के मध्य में जो संधि स्थल होता है, वहां दोनों आपस में आकर प्रतिक्रिया करते हैं और जो प्रेसिपिटेशन है और क्षेपण है वो एक रिंग के रूप में, एक छल्ले के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये एंटीजन वहां उपस्थित है। यदि कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब एंटीजन वहां अनुपस्थित पाया जाता है। तो पहला जो प्रेसिपिटेशन है और क्षेपण है सॉल्यूशन के अंदर, इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। दूसरा जो अवक्षेपण क्रिया है, उसके अंतर्गत हम अगार का उपयोग करते हैं। अगार एक पाउडर होता है जिसको जल में घोल लेते हैं और उससे हम जेल प्राप्त करते हैं और जेल के अंदर इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये तीन प्रकार से की जाती है। पहला तो सिंगल डिफ्यूजन, सिंगल डायमेंशन, इन सिंगल डायमेंशन। तो इसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम मिश्रण लेते हैं अगार का और एंटीबॉडी का। तो अगार से निर्मित जो जेल होती है उसमें एंटीबॉडीज समावेशित पाए जाते हैं और फिर हम इसमें एंटीजन डालते हैं। तो एंटीजन क्या करते हैं, डिफ्यूजन क्रिया करते हैं, मिश्रण क्रिया करते हैं इस दिशा में, एंटीबॉडी की दिशा में। और ये जो अगार होता है, जेल होता है, इसके अंदर पहुंच के हमको एक बैंड मिलता है अवक्षेपण का। ये बताता है कि ये जो एंटीजन है या एंटीबॉडी के मध्य प्रतिक्रिया हुई है और उसके फलस्वरूप हमको अवक्षेपण प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंगल डिफ्यूजन इन सिंगल डायमेंशन प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा हम डबल डिफ्यूजन एंड सिंगल इन सिंगल डायमेंशन के अंतर्गत बात करते हैं। इसमें जो देखिए, केवल एंटीजन ने डिफ्यूजन क्रिया की है तो मतलब सिंगल डिफ्यूजन, इसमें डबल डिफ्यूजन है, जो दोनों डिफ्यूजन क्रिया में भाग लेंगे, ये एंटीबॉडी भी भाग लेंगे, एंटीजन भाग लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मिश्रण लेते हैं अगार से निर्मित जेल का और इसमें समावेशित जो एंटीबॉडी है उनको लेते हैं। तो जेल में समावेशित जो एंटीबॉडी है वो यहां उपस्थित है और इसके ऊपर हम अगार का एक जेल का लेबल कॉलम और ले लेते हैं जिसमें एंटीबॉडी नहीं उपस्थित। तो एंटीबॉडी विहीन अगार, एंटीबॉडी युक्त अगार, ये दो अलग अलग जो है जोन है, इसके ऊपर हम एंटीजन लेते हैं जिसका एंटीबॉडी यहां उपस्थित है। अब देखिए, ये जो एंटीजन है ये इस अगार की तरफ डिफ्यूजन क्रिया में भाग लेता है और ये जो एंटीबॉडी यहां उपस्थित है अगार के अंदर वो भी इस प्रक्रिया में भाग लेता है। दोनों डिफ्यूजन क्रिया करते हैं लेकिन जो डायमेंशन है वो एक तरफ होता है। तो ये बीच में जो मध्य में अगार का जो बैंड है उसके अंदर हमको एक प्रेसिपिटेशन का कोलम प्राप्त होता है जो दोनों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये हमारा डबल डिफ्यूजन सिंगल डायमेंशन प्रक्रिया का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने इस प्रकार से कर दिया। तीसरी प्रावस्था के अंतर्गत हम सिंगल डिफ्यूजन टू डायमेंशन इसकी बात करते हैं। अब करते हैं कि जो एक प्लेट होती है,
एंटी डिस्क होती है उसमें अगार का मिश्रण लेते हैं और उसके अंदर एंटीबॉडी को समावेश कर लेते हैं। तो ये हमारा अगार का एक माध्यम है, जैव माध्यम है, इसमें हमने एंटीबॉडी को समावेशित कर लिया है, एंटीबॉडी इसमें उपस्थित है। अब इसमें हम चार कैविटी बनाते हैं और कैविटी में हम रखते हैं एंटीजन को, प्रतिजन को। तो देखते हैं जो प्रतिजन है ये डिफ्यूजन क्रिया में भाग ले रहा है, ये विभिन्न दिशाओं में डिफ्यूजन करेगा, डिफ्यूज करेगा, और ये जो एंटीबॉडियां उपस्थित है उनके साथ प्रतिक्रिया करेगा और एक जो प्रिसिपिटेशन की रिंग है, एक जो सर्किल पाया जाता है वो इस रूप में प्रिसिपिटेशन हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम सिंगल डिफ्यूजन टू डायमेंशन प्रक्रिया को करते हैं। जो आखिरी वाला है डबल डिफ्यूजन एंड डबल डायमेंशन, इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से अगार को लेते हैं पेटी डिस्क के अंदर जेल के रूप में। इसमें जो अगार हमने लिया है इसमें हमने प्रतिरक्षी समावेशित नहीं की है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है। हम क्या करेंगे, इस अगार की जो पेटी डिस्क है इसके अंदर चार कैविटी हम बनाते हैं पेरिफेरल साइड की तरफ, उसमें हम लेते हैं एंटीजन को, ठीक है, और बीच में एक कैविटी बनाते हैं इसमें लेते हैं एंटीबॉडी को। हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी जो मध्य क्षेत्र की कैविटी में उपस्थित है वो डिफ्यूजन भाग लेती है और ये जो एंटीजन है जो पेरिफेरल क्षेत्र में उपस्थित है ये भी अपनी अपनी कैविटी से इस जो अगार में डिफ्यूजन क्रिया में भाग लेते हैं और दोनों ही दूसरी दिशा में कवर करते हैं। लेकिन जो हमारे एंटीजन हैं इन कैविटी के अंदर ये अलग प्रकार के हैं। तो जो एंटीजन इस एंटीबॉडी से संबंधित है उन दोनों के मध्य प्रतिक्रिया होगी और वह हमको एक बैंड मिलेगा। इस प्रकार से ये बैंड मिलता है, ये प्रिसिपिटेशन बैंड के रूप में कर्व के रूप में पाया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एंटीजन सी है ये इस एंटीबॉडी सी के माध्यम से इस प्रिसिपिटेशन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रिया डबल डिफ्यूजन एंड डबल डायमेंशन प्रतिक्रिया के अंतर्गत की जाती है। अंत का जो प्रिसिपिटेशन का प्रकार है उसमें हम इलेक्ट्रोफोर्सिस प्रक्रिया को जो टेक्निक है उसका उपयोग करते हैं। ये जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं जो एक्सपेंड कर रहे हैं इसमें समय अधिक लगता है, 24 घंटे या एक दिन से अधिक का समय इस परिणाम को प्राप्त करने में खर्च होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है ये हम एक घंटे एक घंटे से कम में भी प्राप्त कर सकते हैं, ये रिजल्ट हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक कोलम बनाते हैं जेल का और उस जेल के कोलम के अंदर हम जो करंट है उसके इलेक्ट्रोड वहां लगा देते हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, और इसके जो मध्य में ये जो हमने अगार लिया है इसके मध्य में एक कैविटी बनाएंगे, उसमें हम एंटीजन लेंगे, एंटीजन का मिश्रण लेंगे, इसमें जो विभिन्न प्रकार के एंटीजन है उसका मिश्रण हम लेते हैं और इसके जो यहां ये हमने बनाया है कोलम लंबा सा इसमें भी हम एंटीबॉडी को रख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को यहां नहीं रखते, पहले हम केवल यहां एंटीजन रखते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस को ऑन करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के कारण जो ये हमने माध्यम लिया है इस माध्यम में ये जो एंटीजन है जो प्रोटीनस इन नेचर है ये कैटाइन और एनाइन में रूपांतरित हो जाएंगे, जो भी इनके चार्ज है उसके अकॉर्डिंग कैटाइन और एनाइन बन जाएंगे और कैटाइन जो है एनोड की तरफ और एनाइन है एनोड कैथोड की तरफ गमन करेगा। तो इस प्रकार से दोनों अलग दिशा में गमन करेंगे। तो जितने भी इसके अंदर मिश्रण जो मिश्रण एंटीजन का है उसमें जितने भी एंटीजन है उसमें कुछ कैटाइन के रूप में कुछ एनाइन के रूप में अलग दिशा में गमन करेंगे और उसके ऊपर जो भार होता है उनका जो आणविक भार होता है उसके कारण की जो स्पीड होती है वो भी अलग अलग होती है। उस समय पश्चात हम देखते हैं कि जितना भी प्रकार के एंटीजन यहां उपस्थित थे वो अलग अलग एक दूसरे से बिखर जाते हैं, आइसोलेट जाते हैं अलग अलग बैंड के रूप में। अब हम क्या करेंगे, यहां एंटीबॉडी को लेंगे जो हमने यहां बनाई है कोलम, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, डिफ्यूजन के क्रिया भाग लेगी और वो उस दिशा में जाएगी जिस दिशा जिस कोलम में उसका एंटीजन उपस्थित है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम इस प्रिसिपिटेशन क्रिया को पोषक प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अवक्षेपण प्रक्रियाएं हैं
जिनके द्वारा हम विभिन्न एंटीजन का परीक्षण करते हैं विभिन्न बीमारियों के डायग्नोसिस प्रक्रिया के अंतर्गत। धन्यवाद।